हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपका मौर्योत्तर काल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत आपका शुंग वंश, कण वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश, चेदी वंश, पल्लव, हिंदू यवन, ये आपके आते हैं। हिंदू यवन, इंडो ग्रीक जिसे हम कहते हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट जो आपके एमसीक्यू बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं कई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो उसे हम यहाँ के माध्यम से कवर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी की, एंशियंट हिस्ट्री की। इसके बाद हम आगे करेंगे और आपका ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा हुआ। तो मौर्यों के बाद देखिए, बात करें कौन हुए, तो सातवाहन हुए, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक है। तो ये सातवाहन वंश का था। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सातवाहन के बाद ही आपके राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य उसी के बाद आते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो चौथे का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत्स्य पुराण, ठीक। इसके सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पांचवें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरावती हो जाएगी। निम्न में से सातवाहनों की राजधानी कौन सी है। तो सातवाहनों की राजधानी छठवें का आपका सही आंसर प्रतिष्ठान, ये आपने सुना होगा आपके, यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। बाकी इसकी थ्योरी पढ़ना हो तो आप किसी चैनल में मिल जाएगी, आर्य शर्मा की जो एंशियंट हिस्ट्री की बुक है उसे मैंने अच्छे से कवर किया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया। तो शुंग वंश के पास देखिए कौन सा वंश आता है, आपका ये कण वंश आता है, ये चीज आपको ध्यान देना। और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कण वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का तो श्रीगुप्त था, सातवाहन वंश का सिमुक था, आप कण वंश का बताइए कौन था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, तो ये ध्यान देना है आपको। आठवें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। तो कुषाण शासक का कब हुआ, 78 AD में हुआ, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसी के समय से ही आपका शक भी स्टार्ट होता है, 78 AD से ही। निम्नलिखित में जिसे भारत सरकार, ये भी ध्यान देना, जिसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। तो दसवें का आपका सही आंसर जो होगा मौर्य वंश भी था और कुषाण वंश भी था, ये चीज आपको ध्यान देना, बी और सी इसमें दोनों सही हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो कनिष्क को किसने हराया था, तो 11वें का जो सही आंसर होगा हो जाएगा पांचाऊ, ठीक। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 81 ईस्वी, यानी 81 AD, ठीक है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो बुद्ध का जो है अंकन हुआ है वो किसके सिक्कों पर हुआ है, कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है, ठीक है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो 14वें का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये तो आपका सही है लेकिन आपका आर गलत है, क्योंकि इनके पास नहीं थी, चोलों के पास थी, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर 14वां हो गया। इसके बाद हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे, शक संवत कब प्रारंभ किया गया, 78 AD। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर कितना है, देखिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना है। 16वें का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष का अंतर है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विक्रम संवत को कब से माना जाता है स्टार्ट, यानी उसका क्या समय था। विक्रम संवत देखिए आ गया वही क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है। तो 17वें का जो सही आंसर हो जाएगा 57, ठीक है। आप देखिए 78 और 57 को जोड़ दीजिए, 78 और 57 को आप जोड़ देंगे तो आपका 8, 7, 15, 7, 5, 12, 135 वर्ष आ जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, डिफरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत माना जाएगा। तो देखिए 2009 में आप इस पे आपको कितना शक संवत पूछ रहे हैं, तो आप इसमें 78, 2009, 8, 17, तो आपका ये लगभग कितना हो जाएगा, 18 का यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमें जोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि शक संवत पूछा गया, शक संवत वर्ष कौन सा, 2009 में आप 78 घटाएंगे, 9 में 8 गए 1, और 9 में 8 गए 1, 10 में 7 गए 3, तो आपका ये 1931 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र, एक चैत्र जो है ग्रेगरियन कैंडल पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष में निम्नलिखित तत्वों में किस एक के तदनुसार है। तो ये आपको ध्यान देना है, एक चैत्र जो है ये आपका 22 मार्च यह 21 मार्च के बीच में पड़ता है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से एक सही कारक
कालानुक्रम है, यानी सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो बीसवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले यूनान करते हैं, फिर शक करते हैं, फिर कुषाण करते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का मिश्रण थी वो कौन सी थी, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है गंधार शैली थी, जो कि आपकी भारतीय शैली और यूनानी शैली का मिश्रण थी। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता, तो 22वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंधार मूर्तिकला। ठीक, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है। तो 23वें का जो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, देखिए हड़प्पा सभ्यता में चित्रित धूसर मृदभांड ये नहीं मिले हैं, मुगल में अजंता चित्रकारी ये भी नहीं होती थी, ठीक है, कुषाण में गंधार कला शैली विकसित हुई थी ये सही है, मराठा में पहाड़ी चित्र शैली ये भी नहीं थी। कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से फली फूली, तो गंधार शैली किसके समय में फली फूली, कुषाणों के समय में। ठीक, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ की थी किसके समय में, तो 25वें का जो सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। ठीक, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रैवतक अभिलेख में नहीं है, रैवतक अभिलेख आपसे किससे संबंधित, कनिष्क से संबंधित है, और इस पे किसका उल्लेख नहीं है, तो 26वें का ए श्रावस्ती का उल्लेख नहीं, बाकी कौशाम्बी पाटलिपुत्र चंपा का उल्लेख रैवतक अभिलेख में मिलता है, चीज आपको ध्यान देना है। रैवतक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है, कनिष्क आपका कुषाण वंश से संबंधित है, चीज भी आपको ध्यान देना है। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया, किसने जारी किया है तांबे के सिक्कों को, तो कुषाणों ने जारी किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो 28वें का जो सही आंसर है कुषाण है, इन्होंने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, और सबसे पहले आपके सातवाहन ने चलाए थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो कौन नहीं गया था, तो आपको ध्यान देना 29th का डी हो जाएगा, विशाख दत्त था, बाकी देखिए ऊपर पार्श वसुमित्र अश्वघोष ये आपके नहीं गए थे, यानी गए थे, ठीक है, ये गए थे, विशाख दत्त नहीं गए थे, चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, तो 30वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, पतंजलि इनके समय का नहीं था, कनिष्क के समय का। ठीक है, अश्वघोष किसके समकालीन था, तो अश्वघोष किसके समकालीन, तो 31 का आपको देखिए सही आंसर होगा कनिष्क का। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोण के अनुसार अपना उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए समकालीन की बात की है, तो 32वें का जो समकालीन आपके कौन से होंगे, तो 32वें का सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड अश्वघोष और अश्वसुमित्र ये समकालीन थे कनिष्क के। इसके बाद 33वां है, किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तो 33वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक चरक और जीवक दोनों। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित, तो आपको ध्यान देना चेदी वंश से। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ता है, तो हाथीगुंफा अभिलेख से। किस राजाओं को जैन धर्म का संरक्षक कहा जाता है, तो इसे खारवेल को ही कहा जाता है। निम्नांकित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो ये देखिए भारी झुकाव किसका था, तो 37वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा खारवेल। खारवेल आपका देखिए ये चेदी वंश आपका कहाँ संबंधित था, ये आपका उड़ीसा के आसपास के एरिया से संबंधित है, चीज आपको ध्यान देना है। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है, तो बामियान आपको ध्यान देना है यह 38 का जो सही आंसर होगा बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है बामियान। निम्नलिखित में से किस हिंद यौन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, तो 39th का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटो सिकंदर। कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 40 का सी मिलिंद, बाकी बिंबिसार गौतम बुद्ध प्रसेंजित समकालीन थे अपने समय के। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, तो ये 41वें का जो सही आंसर होगा जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख जिसे हम कहते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जूनागढ़ आपके गुजरात के आसपास है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, तो 42वें का सही आंसर होगा रुद्रदामन फर्स्ट है। और सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उस पर अशोक ने भी काम किया था, रुद्रदामन फर्स्ट ने भी काम किया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नवीन किसके अभिलेख से मिलता है, तो 43rd का जो सही आंसर होगा काठियावाड़ के रुद्रदामन के। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय मिलता है, तो 44वें को आपको ध्यान देना विम कर्फिसिस है जिसे सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय मिलता है, चीज आपको ध्यान देना है। अब विम कर्फिसिस आपका यही आपका कुषाण वंश का संस्थापक भी था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? तो स्वर्ण सिक्कों का देखिए प्रचलन नियमित रूप से किसने किया था, तो 45 का जो सही आंसर को भीम कर्थशिष्टित, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, तो ये कौन था? तो इसका आपको ध्यान देना है 46 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 का जो सही आंसर होगा डेरियस फर्स्ट, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आपका 47 क्वेश्चन है, आप 47 में क्या है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ये 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्तिकेय, ठीक है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा विधि, ठीक है। इसके बाद आपको 49 देखना है, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका है? तो ये देखिए अभी हमने क्वेश्चन किए थे भारत और यूनानी का, निम्नलिखित में से सही सुमेलन आपको देखिए यूपीपीएससी में यूपीआर, देखिए आपको ये भी ध्यान देना है, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे जो आपको लगे यार ये कहाँ से आ गया हमारे सिलेबस में नहीं, तो ये जैसे आरएएस का एग्जाम होता है जो कि राजस्थान का है, तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो देखिए यूपी स्पेशल नहीं है, मतलब यूपीपीएससी उनको नहीं देखता है, तो आपको यदि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको यूपीपीसीएस हो गया और आपका उत्तराखंड से हो गया या आपका एमपी से हो गया, एमपीपीसीएस से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी यूपीएससी देगा उसे तो अच्छे से ही देखना है, इनमें देखने कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन ने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए थे, चीज आपको ध्यान देना है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। बाकी कुषाण ने स्वर्ण और ताम्र, गुप्त ने स्वर्ण और रजत, कलचुरी ने स्वर्ण रजत और ताम्र तीनों जारी किए थे। 51 का क्या है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया गया है? तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी है जिन्हें हम एका ब्राह्मण भी कहते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो ये चेदी वंश से था, ठीक है। इसमें देखिए सही सुमेलित नहीं है, बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हाथी गुम्फा से खारवेल सही है। इसके बाद देखिए नासिक नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र ये भी सही है, गिरनार रुद्रदामन ये भी सही है, लेकिन जो भीतरी अभिलेख है पुलकेशिन से संबंधित नहीं, आप बताइए भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है, इससे नहीं था। 54 का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलाना है गंधार कला, मिलिंद पनहो तक्षशिला लेख, तो जूनागढ़ तो देखिए आपका इससे हो गया, तो बी का फोर मिलाएंगे तो ये खत्म, ठीक। इसके बाद गंधार कला का आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कुशवाहा वंश, तो एक का थर्ड हो जाएगा, एक का थर्ड एक में, तो आपका यही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी का फोर हो गया, सी का वन आप मिला दीजिए, मिलेंडर से संबंधित है मिलिंद पनहो, और तक्षशिला आपका पतिक से संबंधित है। 55 कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रजत सिक्के। हाथी गुफा अभिलेख के संबंध में आपको सत्य कथन कथन का यहाँ पर बताना है कौन सा सत्य कथन है, यह अभिलेख चेदी वंश के राजा खारवेल के शासनकाल के प्रारंभिक 12 वर्षों का वृत्तांत है, यह ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, इसमें ही सर्वप्रथम महाराज शब्द का उल्लेख मिलता है, इसमें उल्लिखित खारवेल ने अपने शासन के 12 वर्षों में पहली प्रथम बार भारत में सैन्य बयान किया था। तो 56 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, आपका दूसरा कथन सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है, बाकी पहला और चौथा आपका गलत है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भिक्षुराज की उपाधि किसने ली थी? 57 का जो सही आंसर होगा खारवेल नहीं, आपकी भिक्षुराज की उपाधि ली थी। इसके बाद 58 क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों के विषय में सर्व प्रमुख स्रोत सिक्के हैं? तो देखिए आपको सही उत्तर इसमें बताना है, तो 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडो, ये यहाँ नहीं आपको ध्यान देना है, 1 2 4 इंडो बक्त्री, इंडो यूनानी और इंडो सीथियन, कुषाण के बारे में आपको जानकारी सर्व प्रमुख स्रोत नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वितस्ता युद्ध के पराजय के पश्चात किसके आग्रह पर पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो 59 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरुस, ठीक है, वितस्ता जिसे हम हाइड स्पीच का भी युद्ध कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। 60 नंबर है क्वेश्चन कथन है, गंधार कला का मुख्य प्रतिपाद्य बुद्ध और बौद्ध धर्म है, गंधार कला शैली की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति रोमा देवी की मूर्ति मानी जाती है, तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए ये दोनों कथन तो सही लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, चीज आपको ध्यान देना है।
61 है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किसमें लिखा है? तो 61 का जो सही आंसर रहेगा संस्कृत भाषा में लिखा है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में किसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा जाता है? तो 62 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुद्रदामन। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इस पर देखिए सही उत्तर बताना है, तो 63 का आपका सही आंसर होगा, एक और दो दोनों ये दोनों सही हैं। इसको देखिए शक छत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1:35 है, चीज आपको ध्यान देना है। शक छत्रप के समय में सोने के सिक्के 1:1 में थे, तो चांदी के सिक्के अधिक थे, यानी चांदी के सिक्के अधिक थे सोने के अपेक्षा, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों यहाँ से संपूर्ण होता है आपका ये टॉपिक, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसपे आपका शुंग वंश, कण वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश, चेदी वंश, पल्लव, हिंदू यवन आपके इंपॉर्टेंट, आपको देखिए इससे ये समझ में आता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, किस वंश से क्या चीजें हैं जो कि आपके क्वेश्चन में बनती है, कौन से शासक है जो कि महत्वपूर्ण है जिनसे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। अगली वीडियो में हम इससे अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, उस पर हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करने वाले, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।